पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 94 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 94 सीआरपीसी हमें बताता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अब इस सेक्शन की हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे प्लेस की सर्च होना जहां पर ऐसा लगता है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई है, कोई चुराई हुई चीज, कोई चोरी का सामान रखा गया है, या फिर कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी फोर्जरी वहां पर हो रही है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है। सबसेक्शन 1 सेज इफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक्स नेसेसरी, अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर कुछ इंक्वायरी के बाद उन्हें ऐसा लगता है, नेसेसरी लगता है, हैज रीजन टू बिलीव, उनके पास रीजन टू बिलीव है दैट एनी प्लेस इज यूज फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि कोई जगह, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसी जगह जो कि डिपॉजिट कि उस सामान, स्टोलन प्रॉपर्टी को रखने के लिए, चोरी हुआ सामान रखने के लिए, या फिर जो चोरी का सामान है उसको सेल करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, या फिर किसी ऐसे कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को रखने के लिए या उसका सेल करने के लिए या फिर उसके प्रोडक्शन के लिए ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, इसी सेक्शन में आप लोगों को क्लॉज बी में, सॉरी सबसेक्शन 2 में बताए गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, ही मे बाय वॉरेंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ अ कॉन्स्टेबल। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो क्या करेगा, एक पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेबल की रैंक से ऊपर होगा। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया जाएगा जो कि कॉन्स्टेबल के रैंक से ऊपर होगा, ठीक है, मतलब वारंट दे करके उन्हें ऑथराइज किया जाएगा, उनके पास सर्च वारंट होगा उस प्लेस को सर्च करने के लिए। क्लॉज ए सेज to enter with such assistance as may be required such place, कि उस place में वो enter करे, पुलिस officer enter करे with assistance, यानी कि अगर उन्हें जितनी भी और पुलिस officers की जरूरत है, 5 से 6 उन्हें भी लेकर के वो जा सकते हैं। Clause B says to search the same in the manner specified in the warrant, warrant में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही वो उस place को search करेंगे। C says to take possession of any property or article therein found which he reasonably suspects to be stolen property or objectionable article to which this section applies, और अगर जरूरत पड़ी तो उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में भी ले लेंगे, भले वो चोरी का कोई सामान हो, ठीक है, अगर उसे लगता है कि वो चोरी का कोई सामान है या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, जहां तक ये सेक्शन अप्लाई होता है। Then D says to convey such property or article before a magistrate, कि भाई उस obviously जो article वहां से उन्होंने बरामद किए हैं उसको magistrate के सामने produce करें, और to guard the same on the spot, या फिर उसकी निगरानी करें, guard करें उसे, until the offender is taken before a magistrate, जब तक उस offender को जिसने भी ये किया है, चोरी का सामान रखा है या कोई objectionable article रखा है, जब तक कि उस offender को magistrate के पास नहीं ले जाया जाता है, और otherwise to dispose of it in some place of safety, या फिर अगर इन दोनों में से कोई चीजें नहीं हो रही है तो फिर अपने पास ही किसी ऐसी सेफ जगह पर रखें, सेफ हैंड्स में रखें, ताकि कोई उसे चुरा ना पाए दोबारा से, ठीक है। देन E clause says to take into custody and carry before a magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit. Privy का मतलब होता है persons having interest. और अगर वहां से उसको उन पुलिस ऑफिसर को अगर कुछ लोग मिलते हैं जो इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, यही बताया है इस ई वाले क्लॉज में। नाउ सबसेक्शन 2 सेज द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स जहां तक ये सेक्शन जाता है, जहां तक ये सेक्शन अप्लाई होता है, वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है काउंटरफीट कॉइन, नकली सिक्के, पीसेज ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द मेटल टोकन एक्ट। मेटल टोकन एक्ट में जो कुछ, जिस तरीके के मेटल का पीसेस के बारे में बताया गया है, अगर उसके कॉन्ट्रावेंशन में कुछ पीसेस बरामद हुए हैं तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में ही आएंगे।
काउंटरफीट करेंसी नोट, काउंटरफीट स्टैम्प्स, नकली नोट या फिर नकली स्टैम्प्स, तो ये भी आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव केवल आर्टिकल्स में. फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉल्स सील्स हैं, ठीक है. ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ द इंडियन पिनल कोड. 292 आईपीसी में जो ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स अगर बरामद होते हैं तो वो भी, सॉरी. इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल्स मेंशनड इन क्लॉजेस ए टू एफ, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल्स जो कि इन सारी चीजों की जो ए से एफ तक में बताई गई हैं, जो आर्टिकल्स बताए गए हैं, इनके प्रोडक्शन में अगर कोई चीज यूज हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में ही आएगा, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 94 अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.